Hi friends, this is Anamika, founder of Anna's Herbal, or as I promised you, I am back with my another video. दूसरी वीडियो के साथ हाजिर है आपके सामने. फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि अब रेगुलरली आपको स्किन केयर से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड, अपने ग्रूमिंग से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे मिलेंगे और उसी से रिलेटेड सेकेंड वीडियो में आपके सामने लेकर आ गई हूँ. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप जल्दी से चैनल पे जाइए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और उसके पास एक जो बेल बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे. शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो. आज का जो वीडियो है विच इज रिलेटेड टू ब्यूटी, चेहरे का, आपके व्यक्तित्व का जो सौंदर्यकरण है वो एक्चुअली में क्या चीज है, ब्यूटी होती क्या है. हम जो टर्म है ब्यूटी, इसको दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं या ये कहिए उनका भाग कर सकते हैं. एक होता है इंटरनल ब्यूटी, जिसका हमारी स्किन से, हमारे कैसे दिखते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल ब्यूटी. तो आज बात करते हैं एक्सटर्नल ब्यूटी की. कि जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, ये जो फेस पे ग्लो है, ग्लैमरस जो आप लगते हो, यंग लगते हो, एजिंग कम होती है, वो क्यों होती है, क्या होती है, क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से वो नहीं होती, क्या किस रीजन की वजह से हम उसे कम कर सकते हैं, हम सब कुछ जानेंगे उसके बारे में. और आप इस वीडियो को बहुत डिटेल में देखेंगे, आने वाले सेक्शंस में देखेंगे आप, आपको ये वीडियोस ऐसे मिलते रहेंगे जिसमें आपको पता चलता रहेगा कि किस तरह से, क्या क्या DIYs हैं, क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या टेक्निक्स हैं जिनसे आप इस ब्यूटी को कैप्चर करके रख सकते हैं. राइट. दोस्तों, क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारा चेहरा डल पड़ने लगता है, एजिंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एजिंग आने लगती है, चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स, और कुछ नहीं तो इवन यंगस्टर्स भी इस प्रॉब्लम से आजकल परेशान है. यंगस्टर्स को टाइम से पहले एजिंग इफेक्ट दिखने लगे हैं. इनफैक्ट एक्नेस, पिगमेंटेशन, बहुत सारे ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स, ये सब क्या रीजन है जो हमारी खूबसूरती को छुपा देते हैं. जो और हम सब जानते हैं कि इनसे हमारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कम होता है. तो क्या रीजन है जो ये सब होता है, हम जानते हैं इस वीडियो में. दोस्तों, ये जो मैंने आपको रीजंस बताए, इतने सारे आपको बताए कि ये जो स्किन से रिलेटेड इश्यूज क्यों होते हैं, उसके मेनली चार कारण होते हैं. सबसे पहला कारण होता है हार्मोन. कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में जो आपको जेनेटिकली आपके पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं, उन्हें कहते हैं हार्मोनल. कुछ होता है, सेकेंड होता है न्यूट्रिशन. बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन, इम्प्रॉपर डाइट भी हमें ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. तीसरा होता है स्ट्रेस लेवल. स्ट्रेस हमारी जिंदगी का इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम उसे बच नहीं पाते और वो हमारे फेस पे बहुत क्लियरली दिखता है. और फोर्थ, जो कि हम सोचते हैं बहुत ईजी है, इसको तो हम ईजिली कर सकते हैं, और ईजी ईजी होने के चक्कर में हम उस पर ध्यान ही नहीं देते. एंड दैट इज टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, अपनी स्किन का ध्यान रखना. ये चारों चीजों के वजह से हमारी स्किन खराब होती जाती है. दोस्तों, ये चारों रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, उस पर फर्क पड़ता है, उस पर असर आता है. हम एज से पहले स्किन हमारी खराब होने लगती है. सो वी विल सी ऑल दीज फैक्टर्स. हम इस सारे फैक्टर्स को अपने आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में देखेंगे. हम देखेंगे ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम ध्यान रख सकते हैं, और अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं जिनसे ईजिली हम अपनी स्किन को बचा के रख सकते हैं और वो जो ग्लो है उसको परमानेंट रख सकते हैं. फिर जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम स्किन की प्रॉब्लम को
सॉल्व कर सकते हैं, इनकी डिटेल वजह जानेंगे, और ये जो चारों फैक्टर्स दिखाए इनको स्टॉप कैसे कर सकते हैं, क्या चीज है, क्या प्रिकॉशंस है, उनकी डिटेल जानेंगे। ये सब मिलेगा हमें आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में क्या मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बेसिक चीज बताते हैं। एक बहुत बेसिक चीज मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि एक बहुत बेसिक चीज आप जान लीजिए कि ये जो हमारी स्किन है, स्किन छोटे छोटे सेल्स से बनी है। बहुत सारे सेल्स हैं जो मिलके यूनाइट होके स्किन बनाते हैं, जो स्किन की लेयर होती है जिसको हम डर्मिस और एपिडर्मिस कहते हैं, वो बहुत सारे माइन्यूट सेल से बनता है। वो जो सेल है जो आपस में चिपक के रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे से साथ रहते हैं, और वो चिपक के रह पाते हैं फ्लूइड के वजह से। उन सेल्स के बीच में अपना एक फ्लूइड होता है जो उनको एक दूसरे से एक शेप में रखता है। जनरली व्हाट हैपेंस इज कि ड्यू टू लैक ऑफ दैट फ्लूइड, वो फ्लूइड के लैक होने से हमारा जो सेल्स हैं वो अपना डिसोरिएंटेशन कर देते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं, उनका साइज छोटा हो जाता है, वो सिकुड़ जाते हैं, और ऐसी बहुत सारी वजह होती है बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ फ्लूइड, जिसकी वजह से हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। फाइन लाइन्स होते हैं, रिंगल्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो होने लग जाती है। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जो स्किन में होता है। नाउ व्हाट कैन वी डू फॉर इट, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट वी नीड टू टेक केयर इज, जो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, वो ये है कि वी कैन अप्लाई द स्किन केयर प्रोडक्ट, वी कैन टेक केयर ऑफ द स्किन, वी कैन अप्लाई रेगुलर गुड ऑर्गेनिक कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑन आवर स्किन। हमें अपने स्किन को एक बच्चे की तरह, एक बेबी की तरह उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसको संभाल के रखना होगा, उसको प्रॉपर चीज़ों का यूटिलाइज करके, उसके अंदर उसको प्रॉपर मॉइस्चर देके, उसे वो फ्लूइड रिटेंशन देंगे, तो वो सेल्स हमारे इंटैक्ट रहेंगे, एजिंग प्रोसेस कम होगी, और हमारा स्किन डेफिनेटली ग्लो करेगा। फ्रेंड्स, जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता है, एक छोटा बच्चा होता है वो इस दुनिया में आता है, उसे कुछ नहीं पता होता अपने बारे में। मदर उसका टेक केयर करती है, उसकी सुबह मालिश करती है, अपने हाथों से मालिश करते हैं, उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, उसके सर पे कौन सा तेल लगाना है, ये सब चीज़ें हम ध्यान रखते हैं। क्यों ध्यान रखते हैं हम, क्योंकि वो उसकी स्किन अभी उसने जन्म लिया होता है। इसी तरह से हमें अपने स्किन का भी ध्यान रखना है। ये समझ लीजिए कि आपकी जो स्किन है वो आपके एक बच्चे की तरह है। आपको उसका सुबह के डाइट का ध्यान रखना है, स्किन के डाइट का। स्किन की डाइट से मेरा मतलब है कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप स्किन में लगा सकते हैं जो उन सेल्स को मिलेगा। स्किन की डाइट का ध्यान रखना है, मॉर्निंग में रखना है, आफ्टरनून में रखना है, उनको धूप से कैसे बचाना है, रात में कैसे रखना है। अगर इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली द स्किन विल पे यू बैक। स्किन आपको ग्लो करेगी, आपकी एजिंग को कम करेगी, और आपको खूबसूरत बनाएगी। सी सिंपल, आई नो इट्स सिंपल बट इट्स डेफिनेटली नॉट सिंपल। लेकिन इस नॉट सिंपल चीज को हम अपने ये जितनी भी वीडियो की सीरीज है अपने यूट्यूब चैनल पे सिंपल बनाएंगे। ऐसी छोटी छोटी स्टेप्स क्या हो सकती हैं आपको बताएंगे, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलवाएंगे, बहुत सारे लोगों से मिलवाएंगे, जिससे कि आप इस टफ जर्नी को इतना ईजी कर सकती हैं। और वो जो स्किन जो आप चाह रही है ना, जब आप पार्टी में जाएं तो बिना मेकअप के दिखे, वो स्किन डेफिनेटली दिखेगी, आई प्रॉमिस यू दैट। फ्रेंड्स, आज के लिए ये जो हमारा छोटा सा वीडियो था, ये बहुत क्विक वीडियो था, आज के लिए ये क्विक वीडियो बस इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलेंगे उसमें आपको जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि एक्ने, हाइपरपिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके बारे में आपको बहुत डिटेल में बताएंगे कि क्या होता है, कैसे हम इनको खत्म कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, क्या DIYs हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिसको लगा के हम इनको परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो चार फैक्टर्स बताए हैं कि जो इनको प्रमोट करते हैं, ये चार फैक्टर्स को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे, बताएंगे आपको कि क्या क्या चीज है जिनसे कि हम इनको कम कर सकते हैं और ग्लो अपना मेंटेन करके रख सकते हैं।